जा तू आरबीआई पे मेल कर, कोर्ट में केस कर, पुलिस स्टेशन में जा। अगर पेमेंट नहीं होगा 1 तारीख 10 बजे तक, जितना भी नंबर है सबके पास कॉल भी जाएगा, तेरे घर में भी मेरा टीम जाएगा, तुझको जो उखाड़ना है उखाड़ ले, जा रिकॉर्डेड बोल रहा हूँ, जा। जय हिंद दोस्तों। और जैसा कि आपने यहाँ पे रिकॉर्डिंग में सुना, इस तरीके से एप्लीकेशन वाले आपको टॉर्चर करने की कोशिश करेंगे या आपको कोशिश कर रहे हैं लोगों को, अगर आपने लोन डिफॉल्ट किया है तो इस तरीके से डराने धमकाने का काम करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ऐसी अगर आपको कॉल्स लगातार रिसीव हो रही हैं या ऐसी कॉल के आप भी शिकार होते हैं, डेली आपको ऐसी कॉल्स आती है, तो क्या आपको कॉल रिसीव करनी है कि कॉल रिसीव नहीं करनी, और कॉल को कैसे इग्नोर करना है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल लोन हेल्प इंडिया पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहाँ पे करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लोन एप्लीकेशन के बारे में। जितने भी ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर जिसमें अनसिक्योर लोन आपको प्रोवाइड किया जाता है सिर्फ और सिर्फ आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पे, इसके अलावा क्रेडिट कार्ड पे, और अगर आप बैंक से भी पर्सनल लोन लेते हैं तो आपको ऐसी हरेसमेंट वाली कॉल डेली रिसीव होती होगी जिसके मैसेजेस मेरे पास डेली आते हैं व्हाट्सएप के जरिए। अब यहाँ पर लोगों के बीच में काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि हमें अब क्या करना चाहिए, हमें लगातार ऐसी कॉल्स आ रही हैं जिससे हम डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, और अब आप बताइए कि इसका क्या उपाय है। तो देखिए दोस्तों, इसका उपाय बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपको ज़्यादा बिल्कुल भी सोचना नहीं है, जो मैं बस स्टेप्स बता रहा हूँ उन स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो देखेंगे कि आपको ऐसी कॉल्स आना बंद हो जाएगी। कोई भी NBFC हो या फिर बैंक हो या कोई भी जगह जहाँ से आपने लोन लिया हो, अगर आपने लोन लिया है तो सामने वाला चाहता है कि आप उसका पैसा जरूर से जरूर वापस करें। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपके पास पेमेंट हो तो ज़रूर उनका पेमेंट क्लियर करते हैं, लेकिन अगर आपके पास पेमेंट है ही नहीं तो आप क्लियर भी नहीं कर पाएंगे। ये बात तो एकदम सिंपल सी बात है। तो एक बात आपको याद रखनी है कि आप जेन्युइन डिफॉल्टर होने चाहिए, मतलब आपके पास पेमेंट सच में उपलब्ध देने के लिए नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है। सबसे पहले तो कंपनी को आपने मैसेज भेजा, मेल किया, बहुत उनसे रिक्वेस्ट की कि टाइम देने के लिए, लेकिन कंपनी की तरफ से कोई भी सही रिस्पॉन्स आपके समर्थन में देखने के लिए अभी तक फिलहाल नहीं मिला है। तो अब आपको ऐसी कॉल्स डेली रिसीव होंगी ही होंगी, और इसमें आपको क्या करना है ध्यान से सुनिए। अगर आपको कॉल आती है तो आप कॉल को रिसीव करेंगे, कॉल आपको ब्लॉक नहीं करनी, कॉल आपको काटनी नहीं है, कॉल रिसीव करना है और उठा के फ़ोन को नीचे रख देना है। बिल्कुल आपने सही सुना, कॉल आपको रिसीव करनी है, फ़ोन को उठाइएगा, फ़ोन को उठा के नीचे रख दीजिएगा। अब ऐसे में क्या होगा, सामने वाला व्यक्ति बोलेगा, बहुत लंबे समय तक बोलेगा, और जब उसको वापस आपकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा तो वो खुद पे खुद फ़ोन काटेगा, फिर से फ़ोन करेगा, फिर से आपको फ़ोन को उठाना है, फिर से रख देना है। अब ऐसे में क्या होगा कि आपको पहले जितनी कॉल्स आती थी धीरे धीरे करके कॉल्स आना कम हो जाएंगी, और फिर वो आपको व्हाट्सएप के जरिए मैसेज करेंगे। व्हाट्सएप के जरिए भी कुछ ऐसे मैसेजेस करेंगे जिससे कि आपके ऊपर प्रेशर बने पेमेंट करने का, और आप जल्द से जल्द उनका वापस जो है वो पैसा पेमेंट करें। देखिए, ये जितने भी NBFCs हैं या जिन्होंने भी आपको लोन दिया, वो किसी भी रिस्क पे लोन नहीं दिया, आपसे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं मांगी या आपकी सैलरी नहीं देखी, आपका बिजनेस नहीं देखा, डायरेक्टली लोन दे दिया कि ठीक है आप भैया इतना इतना लोन लीजिए और इतना इंटरेस्ट के साथ वापस कर दीजिएगा। बदले में ये हैवी पेनल्टी लगाते हैं, हैवी चार्जेस लगाते हैं, इसी वजह से ज़्यादातर लोग इनका पेमेंट नहीं कर पाते, और जो पैसा लेते भी हैं तो शेयर मार्केट में या इधर उधर में पैसा गंवा देते हैं या फिर लॉस कर देते हैं, जिसके चलते वो पेमेंट फ्यूचर में नहीं कर पाते। ऐसा एक जगह से नहीं 10 जगह से देखने के लिए मिला है, क्योंकि आजकल जो यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर वो गलत लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो मैं हमेशा से आपको बताता आया हूँ। अब यहाँ पे आप लोगों को मैं जानकारी के लिए बता दूँ कि अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जो मैंने स्टेप्स बताए हैं उनको डायरेक्टली आपको फॉलो करना है। अब ऐसे में एक दिक्कत और आएगी और वो ये होगी कॉन्टैक्ट लिस्ट पर लेकर, ये आपको फ़ोन करेंगे या बोलेंगे कि हम आपके रिलेटिव्स को कॉल करेंगे या आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल करेंगे। ऐसी धमकी आपको ज़्यादातर NBFC से देखने के लिए मिलेगी ही मिलेगी, कुछ बैंक और कुछ क्रेडिट कार्ड के द्वारा भी ऐसा कुछ कहा जाता है कि आपके कॉन्टैक्ट पर कॉल किया जाएगा
और आपके कॉन्टेक्ट और रिलेटिव्स को बताया जाएगा आपके लोन के बारे में और फिर उनसे आपको कॉल करवाया जाएगा, ऐसा भी कुछ देखने के लिए मिलता है। तो ऐसी कंडीशन लोगों के साथ क्रिएट हो भी सकती है और क्रिएट नहीं भी हो सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी वीडियोस हमारी इंफॉर्मेशन वाली लगातार इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलती रहेंगी। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको ये नेक्स्ट वीडियो या इसके बाद वाली वीडियो में पता चल जाएगा कि जो कॉन्टेक्ट लिस्ट पे कॉल करने की धमकी देते हैं उससे कैसे बचना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ में अगर चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए चलता हूँ मैं आज की इस वीडियो में और मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में। बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।